ओम नमः शिवाय। स्वागत है फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो आज की मैं आपको वीडियो में एक मुखी रुद्राक्ष दिखाऊंगा और उसके दर्शन कराऊंगा। ये देखिए, ये है एक मुखी रुद्राक्ष, असली एक मुखी रुद्राक्ष है। एक मुखी रुद्राक्ष साक्षात शिव जी का रूप माना जाता है। इसको दर्शन करने से इतना फल मिलता है कि सोचो आपके पास होगा, पहनेंगे तो कितना मिलेगा। ये एक मुखी रुद्राक्ष है और ये इसके जो लाइन होती है इसको बोलते हैं एक मुखी, मतलब मुख का मतलब लाइन होता है। एक में एक होंगे, दो मुख वाले में दो लाइन, तीन में तीन, चार में चार, ऐसे जितनी लाइन होंगे उतना मुख होगा। तो इसको आप धागे में डाल के पहन सकते हैं, काले या लाल धागे में, या चांदी का कवर लगवा के पहन सकते हैं, या मंदिर में पूजा वगैरह में रख सकते हैं, सब काम आता ही है। क्योंकि इसको साक्षात शिव जी का रूप माना जाता है इसको, और सावन में लेना तो अति उत्तम होता है। और इसमें सब साइज वगैरह आते हैं, ये मीडियम साइज है, छोटे के लिए छोटा साइज आएगा। इसको आप चांदी वगैरह में सब करवा सकते हैं। ये देखिए जैसे मैंने करवा रखा है, आप इसको धागे में पहने कुछ भी, जैसे ये एक मुखी रुद्राक्ष है। अभी इसके अंदर छेद भी हो रखा है, कुछ लोग कहते हैं जैसे उन्हें बिना छेद वाला चाहिए, तो आपको सब तरह का मिल जाएगा। ये छेद वाला है, इसमें छेद करवा के ये दोनों तरफ चांदी की चैन डलवा के पहन रखा है। अगर आप चांदी की चैन, अगर मतलब अगर आप छेद नहीं करवाना चाहते हैं तो इसके ऊपर कवर लग जाए, तो आप इसको चांदी में कवर करवा के भी पहन सकते हैं। मैं आपको बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें छेद हो गया तो वो खंडित हो गया। देखिए ऐसा नहीं होता। अब भगवान जी को माला चढ़ाते हैं गुलाब की या गेंदे की, उसमें भी पिरोना पड़ता है ना, धागे से डालते हैं, सुई डालने से, तो खंडित नहीं हो जाती। माला बनेगी कैसे जब तक उसमें सुई नहीं जाएगी। तो मार्केट में सब ऑप्शन को बताया। अब ये है एक मुखी कोई भी रुद्राक्ष नेचुरल है, इसमें छेद नहीं होता, कोई ये करना पड़ता है, नेचुरल में सब छेद नहीं होता। अब इसमें जैसे मैंने आपको दिखाया, आप छेद करवा के चांदी सोने में कर सकते हैं, और अगर आपको पूजा में रखना है तो आपको इसमें पूजा में रख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं पहनना बिना छेद के तो उसका भी ऑप्शन है। उसके लिए ये देखिए, ये है, ये चांदी का है। इसमें जैसे मैंने पहना था वो तो छेद करवा के पहना, इसमें आपको छेद करवाने की जरूरत नहीं है। ये ऊपर से कवर लगा हुआ है चांदी का, ये देखिए, तो आप ये पहन सकते हैं। दोनों चीज़ मैंने आपको ऑप्शन दिखा दिए, ये रुद्राक्ष है एक मुखी, दोनों एक मुखी हैं। अब आप कई लोग सोच रहे होंगे इसे कलर में का डिफरेंस है। देखिए कलर ये नेचुरल, अगर नेचुरल होता है वाइट कलर का होता है ये। ये सब पहनेंगे आप, यूज़ करेंगे तो सब बाद में ब्लैक हो जाएगा। रियल रुद्राक्ष की ये खासियत है, कहीं से भी लें आप वो कुछ टाइम बाद ब्लैक हो जाएगा। अब ये है, ये देखिए, अब इसको चांदी में, अब बस आपको लाल धागा डालना है, काला धागा या फिर चांदी की चैन, जो भी डाल के आप गले में पहन सकते हैं इसको। तो देखा आपने मेरी वीडियो में, मैंने आपको एक मुखी रुद्राक्ष दिखाया, दोनों दिखा दिए, बिना चांदी का और चांदी वाला। अब कुछ लोग जैसे सेटिस्फाई नहीं हो पाते ये असली वगैरह कैसे होगा ही नहीं, ये देखिए, ये इसकी लैब टेस्ट रिपोर्ट मिलेगी आपको साथ में, लैब टेस्ट है, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो दिख रहा है चांदी वाला आपको, सेम ये ऑनलाइन आपको इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी, लैब टेस्टेड है। और पूजा करने और सही इसकी विधि बता दूँ, पहनने के करके आप कोई भी सोमवार के दिन, वे क्या नाम है, शिव जी का दिन तो सोमवार को, रुद्राक्ष सोमवार के दिन ही धारण करना चाहिए, बाकी और भी नहीं कर सकते हैं, जो भी अच्छे दिन आए, लेकिन सोमवार के दिन विशेष महत्व रहता है इसका। आप इसको पूजा करके गंगा जल में धो के शिव जी के या मंदिर में आपके चरणों में लगा के आप गले में पहन लीजिए, जैसे बताया, बाकी आप मंदिर में रख सकते हैं। और रुद्राक्ष देखिए एक मुखी तीन जगह पैदा होते हैं, नेपाल में और इधर हमारे हिमालय में उत्तराखंड में, और इधर रामेश्वर साउथ साइड में। जो नेपाल का रुद्राक्ष बहुत कम मिलता है, दुर्लभ होता है, कभी कभी होता है, अगर होता भी है तो वो पहले ही बिक जाता है, बहुत कम रियर होता है। सबसे ज़्यादा आपको मिलेंगे रामेश्वर में चंद्रमाकार के, जो मैंने आपको दिखाए ये वाले, ये आपको कहीं भी रियल मिल जाएंगे। इसके बाद आते हैं अपने उत्तराखंड के, हिमालय के, वो पूरे गोल नहीं होते, अंगूर टाइप के होते हैं, पर वो बहुत कम मिलते हैं, कम मिलते हैं, वो भी मिल जाएंगे, लेकिन जो मेन महत्व है इसी का चल रहा है ये सब। कुछ लोग जैसे उन्हें चाहिए गोल ही चाहिए, तो वो आपको फिर उत्तराखंड, तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में रुद्राक्ष के बारे में बता दिया, एक मुखी बारे में सारी जानकारी दे दी है, चांदी का बिना चांदी का कैसे रखें घर में। तो आप कहीं से भी रुद्राक्ष लें, आप हमेशा चंद्रमाकार लें, यही मिल रहा है और यही आपके सही रहेगा। बाकी रही बात गोल की, देखिए गोल बहुत कम आता है मार्केट में, उसकी डिमांड इतनी ज़्यादा है तो पैदा नहीं हो पा रहा, इसलिए मार्केट में कुछ लोग झूठ बोल के बेच देते हैं। जैसे मैंने बताया उत्तराखंड का हिमालय का मिलेगा, वो अंगूर टाइप का होगा थोड़ा सा, बाकी चंद्रमाकार, मैंने भी यही पहन रखा है, तो यही सही रहेगा आपके लिए।
तो आप यही वाला ले सकते हैं। बस सोमवार के दिन ओम नमः शिवाय या शिव जी का जैसे आप जैसे भी पूजा करते हैं, या माला जप के आपको गंगा जल इसमें छिड़क के स्नान करा के भगवान जी के चरणों में लगा के गले में पहन सकते हैं, आपके सारे काम हो जाएंगे। ये देखिए मैंने बता दिया आपको दोनों। तो आज की वीडियो में मैंने आपको एक मुखी के बारे में बता दिया, सारी सही जानकारी दे दी। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए ओम नमः शिवाय।